हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी इंडियन मास्टरमाइंड्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर और उससे भी बेहतरीन लेखक, कवि और गायक मिस्टर मृत्युंजय सिंह। मिस्टर सिंह 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और रिटायरमेंट के बाद डीजी होमगार्ड कोलकाता का पद संभाल रहे हैं। उनका पुलिसिंग करियर तो रोचक है ही, लेकिन उससे भी रोचक है उनकी साहित्य की यात्रा। साल 2007 में उनकी पहली कविता संग्रह किरचन का प्रकाशन हुआ। उन्होंने कई कहानियां, फिल्मों के गीत भी लिखे हैं। उनका लिखा एक गीत मशहूर निर्देशक ऋतुपर्णो घोष अपनी फिल्म चोखेर बाली में भी शामिल कर चुके हैं। हाल ही में द्रौपदी पे लिखी उनकी किताब प्रकाशित हुई, जिसपे आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर सिंह का। अ वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू नमस्कार। सर, तो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि द्रौपदी पे पहले भी कई लेखकों ने काम किया है, काफी कुछ लिखा पढ़ा और देखा जा चुका है, फिर भी द्रौपदी को ही आपने क्यों चुना? मैंने इसका जो पूर्वाक लिखा है भूमिका, उसमें आप देखेंगे तो जो मूल कारण है उसका बयान पहले पैराग्राफ में ही कर दिया है मैंने कि मेरी माँ का नाम द्रौपदी है। और मैंने देखा है कि जब धीरे धीरे मैं बड़ा होता रहा, पहले तो कुछ अजीब नहीं लगता था, लेकिन लगने लगा कि द्रौपदी नाम अक्सर हमारे यहाँ अपनी कन्याओं का नहीं रखा जाता, कहते हैं कि उससे कलह बढ़ता है, तो या भाग्यशाली नहीं होती कन्याएं द्रौपदी के नाम से, नाम का उनका उन पर असर पड़ता है। तो पता नहीं मेरी माँ क्या सोचती है इस बारे में, शायद कि कितनी भाग्यशाली वो है या कितनी हुई या ना हुई, लेकिन मुझे उसके बाद में धीरे धीरे महाभारत की कथाएं यहाँ वहां से अपने लोगों से, गांव में लोग गाते थे या सुनाते थे या बताते थे, बड़े बुजुर्ग सुनते रहे, लेकिन महाभारत को पढ़ने की इच्छा रही, किंतु बहुत बाद में तकरीबन 2010 वर्ष के आसपास मैंने महाभारत को ओरिजिनली गीता प्रेस की पूरी महाभारत को पढ़ा, समझने की कोशिश की। उसके बाद और भी तमाम चीजें पढ़ता रहा मैं। तभी जब मैं पढ़ रहा था तभी इसके सबसे पहले छंद द्रौपदी के चरित्र पर, चरित्र के रूप में जब सामने उजागर हुआ तो पहले छंद आए, और मैंने उसी समय निर्णय किया, शायद ये 2011 या 12 का समय रहा होगा, जब मैंने यह निर्णय किया कि मैं इस पात्र पर बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। और यह द्रौपदी पात्र जो है यह केवल कहानी की या मिथकीय का पात्र ही है, यह आज भी हिंदुस्तान के हमारे समाज में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में नारियों के नारियों की चरित्रगत, जिसको कहा जाए कि परिभाषा या प्रतिबिंबन या नारियों की दशा का प्रतिबिंबन ये करता रहा है हमेशा। इसी वजह से मैंने इस पर फिर बात आगे बढ़ाई, मैं सोचने लगा, और तब इस पर मैं कुछ शोध करना चाहता था, मैं पढ़ना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कुछ ऐसी बातें मैं लिख जाऊं जो लोगों को नागवार गुजरे और लोग सोचे कि मैंने कुछ अनर्गल प्रलाप सा कुछ कर दिया है, तो इसलिए काफी शोध करना पड़ा। तो मैं कहूंगा कि तकरीबन 7-8 साल तो लग ही गए इसको पूरा पूरा सब कुछ बने, और प्रकाशन तक में तो 10 साल लग गए। तो सर, सबसे पहली बार आपने लिखना कब शुरू किया, मतलब जो भी आपका आपकी सोच थी लिखता, इस पात्र को लेकर? जी, मैं लिखता थोड़ी बहुत कविताएं, तुकबंदी कही है, जो कुछ भी कही है, वो अपने स्कूल के समय से ही करता रहा हूं, लेकिन मैंने अपने को कभी भी कोई साहित्य सुधी के रूप में नहीं माना। साहित्य से प्रेम था, पढ़ते रहते थे, लेकिन लिखने की कोई ऐसी सुध नहीं थी। थोड़ा बहुत तुकबंदी इधर उधर कर लिया करते थे, कुछ छोटी मोटी अपने स्कूल के कॉलेज में गए तो कॉलेज की मैगजीन्स में कुछ गद्य छप गए, कुछ कविताएं छप गई, इस तरह की चीजें होती रही। यूनिवर्सिटी में आते आते जब मैंने बड़े बड़े साहित्यकारों को देखा, इनफैक्ट हमारे साथ के कई सारे लोग हैं जो पत्रकार हैं, कवि हैं, कुछ हैं, तो इन लोगों को उस समय मैंने काम करते जब देखा तो मैंने, मुझे लगा कि भाई कवि हुए तो हम हो नहीं सकते, हमारे में कुछ है नहीं ऐसा।
बाद में रियलाइज किया मैंने कि लिखना पेशा शायद बाद में बन जाए, बट लिखना पेशा नहीं होता, साहित्य पेशा नहीं हो सकता। साहित्य संगीत जो कला जो है, इसको हम इसीलिए फुनून लतीफा कहते हैं, फाइन आर्ट्स, ये फाइन आर्ट्स जो है ये लेकर आदमी अपने रक्त में इसके बीज लेकर पैदा होता है, उसका उसको तराशा तो जा सकता है और उसको बेहतर किया जा सकता है। जैसे किसी के संगीत गले में हो तो शास्त्रीय संगीत सीखकर और तराशा जा सकता है अपनी गायकी को, लेकिन गायक पैदा होता है, गायकी सिखा कर नहीं गाई जा सकती। उसी तरह से साहित्यकार, कवि या गद्यकार जो कोई भी हो, वो पैदा ही होता है वो बीज लेकर। तो अचानक से मुझमें, समझिए कि पहले तब मैं कविताएं थोड़े मन से लिखने लगा, तो समझिए कि रेगुलरली जिसको कहते हैं नियमित रूप से थोड़ा बहुत मैं 80 के दशक से लिख रहा था कुछ ना कुछ। उसमें कई सारी चीजें खो गई, कई कुछ रही, किरचे में कुछ आई, कुछ रह गई, उस समय से शुरू किया था मैं। जी वही, जैसे मैं ये पूछ रही, आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, कि मैं जानना चाह रही थी द्रौपदी के पहले छंद आपने किस वक्त मतलब कागज पे उतारे पहली बार? जैसे आपने बोला 8 साल लग गए, तो मतलब टुकड़ों में लिखी गई है, ऐसा कैसा? बिल्कुल टुकड़ों में लिखी गई है मेरी सारी किताब। में गंगा रतन विदेशी भी बहुत, गंगा रतन विदेशी तो नॉन लीनियर राइटिंग है, मतलब एक एक प्रसंग जैसे अचानक मुझे आया कि अच्छा यह तो होगा आगे चलकर, तो मुझे उसकी भावना आई तो मैंने लिख डाला। और सच पूछिए तो उसके पहले अभी 30 पेज या 40 पेज पीछे आगे की बात थी वो जो आने वाली थी। द्रौपदी में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन द्रौपदी में एक एक भाव को लेकर बीच बीच में रुकता रहा। पहले छंद जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे याद एग्जैक्टली नहीं आ रहा, लेकिन पहले छंद द्रौपदी के शायद 2012-12 के आसपास मैंने लिखे थे। वह एक है अनेक में पांडवों, वह एक इतिहास के अध्याय में, वह एक है अनेक में पांडवों की भारिया, वह पांच पांच भेज पे, वो शुरू के 4-5 छंद एक साथ ही मैंने लिखे थे। और तभी से समझिए मीटर फिक्स हो गया था कि अब इसको ऐसी इसी छंद में लिखना है, उसी समय निर्णय हो गया था इसका। जी सर, जब पिछली बार हमारी बातचीत हुई थी तो आपने द्रौपदी के जन्म में को परिभाषित करते हुए जो लिखा है किताब में वो मुझे सुनाया था। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप फिर उस वाले इंस्टेंस को हमारे दर्शकों के लिए सुना दें। अच्छा, वो जो शुरू में जब उनका जन्म होता है, जन्म होता है, जी जी आशीष बंसु कृत्य का राजा द्रुपद के भाग से, देवताओं की कृति उपजी हवन की आग से, जन्म से जिसके जुड़ी देववाणी साफ थी, उसका मैंने ब्रह्म पुराण से उसका प्रसंग भी दिया है, उसको बताया है कि यहाँ बोला गया था द्रौपदी का अवतरित होते ही एक देववाणी या भविष्यवाणी हुई थी, सर्व योषित वरा कृष्णा क्षम क्षमा। जन्म से जिसके जुड़ी देववाणी साफ थी, क्षत्रियों के नाश के निमित्त निर्मित शाप थी, क्षिप्र थी बुद्धि से वो, तेवर भी उसके थे प्रखर, सीखती थी भाइयों के हुनर। राजा के अंतःपुर के सब लोग थोड़े खिन्न थे, श्याम वर्णी दुहिता के गुण सारे थोड़े भिन्न थे, नारी सुलभ शिक्षाओं में दिखता न था उसे कोई हल, उसके हृदय के स्वप्न का विस्तार था थोड़ा विरल, वह जानती थी मृत्यु ही हर आदमी प्रारब्ध के हाथों विकायक वृत्त है, माया रचित कुहेलिका में सब कुछ जैसे दिग्भ्रमित, हर आदमी के जीवन का अपना ही होता है गणित, अपना ही होता है गणित। ये उसके जन्म से जुड़ी हुई बात थी। जी अभी सर आप बता रहे थे कि कुछ साल आपने इस द्रौपदी विषय पर लिखने से पहले रिसर्च भी किया, तो मैं जानना चाहती हूँ कि किन 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 किताबों को आपने मतलब लिखने से पहले आपने पढ़ा, जिससे कि आपको और इन चरित्र को गहराई से समझने में मदद मिले। मुझे एक बात बताने में मैं बताना चाहूंगा आपके, हमारे सारे दर्शकों श्रोताओं को, कि द्रौपदी में सेक्युलर तरीके से यदि चिंतन मनन महाभारत की कथाओं पर बहुत ज्यादा हुआ है तो मुझे लगता है बंगाल में हुआ है।
बंगाल में निशंग प्रसाद भादुड़ी की किताब, धीरेश चंद्र भट्टाचार्य, ये सब बांग्ला में है। मैं चूंकि बांग्ला पढ़ सकता हूँ साहित्य, इसलिए लिपि पढ़ सकता हूँ, इसलिए पढ़ता हूँ। उसके बाद बुद्धदेव बासु की एक किताब है महाभारतेर कथा, ठीक है। तो इन किताबों को पढ़ी मैंने, पढ़ा मैंने। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा शोध कार्य है कोलंबिया विश्वविद्यालय के धर्म और दर्शन विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, एक यहूदी है, एल्फ प्रोफेसर एल्फ हिलते बेतल, प्रोफेसर एल्फ ALF हिलते बेतल, HHEILTEBETEL हिलते बेतल, उनको हिलते बेतल हिलते बेतल कहते हैं हम लोग। एल्फ हिलते बेतल ने द्रौपदी के अकल्ट ऑफ द्रौपदी पर चार खंडों में शोध किया है, उनका शोध कार्य है, और वो शायद अकेले आदमी है जिन्होंने केवल द्रौपदी के विभिन्न प्रसंगों और विभिन्न तरीके के जो नैरेटिव्स बनते हैं हिंदुस्तान में फॉलो किए जाते हैं, उन्होंने फिजिकली उसको ट्रैक किया है। वो राजस्थान हो, साउथ इंडिया हो, उत्तर भारत हो, और सबसे पहली बार उन्हीं की किताब से हमें पता चलता है कि, मैंने उनको कोट भी किया अपने पूर्ववाक में, कि द्रौपदी की हिंदुस्तान में 408 मंदिर हैं द्रौपदी के, और उन्हीं से हमें सबसे पहले बार यह भी पता चलता है कि जैसे मैंने देखा कि द्रौपदी के साथ कई व्याख्या और कई क्षेपक, कई तरह की चीजें जो है मढ़ दी गई हैं उनके उसके ऊपर, जैसे कि दुशासन का कि लहूस में अपने केश को, जिसको कि कुरुक्षेत्र में हमारे लब्ध प्रतिष्ठ कवि दिनकर जी कहते हैं कि आदमी के गर्म लोहू में चुपड़ कर चुकी जब रक्त मेणी केश की, केश जो 13 बरस से थे खुले, ये एस्टैब्लिश किया गया है। लेकिन ये कहीं भी हमारी गीता प्रेस के महाभारत में, जिसको हम मानते हैं मानक के रूप में, या फिर बोरी भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से क्रिटिकल एडिशन निकला है अभी, जिसको कि 1659 महाभारतों के वर्जन को पढ़ के, उनको समझ के, और उनमें कौन सी इंटरपोलेशन है और उनमें नहीं है, उनको छटाई वटाई करके उसको बनाया गया था। इनमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। और पहली बार मुझे हिलते बेतल के शोध में मिला कि हिलते बेतल ने बताया है, उसको ने बताया भी अपने पूर्ववाक में, कि पल्लव काल के समय में एक भट्ट नारायण हुआ करते थे जिसने वेणी संहार करके एक नाटक लिखा था संस्कृत में। उस वेणी संहार में उस नाटककार की कल्पना थी जिसको कि हम लोगों ने एक नैरेटिव बना के चला दिया बना जी। और भी बहुत सारी किताबें हैं, मतलब आपकी चित्रा देवकर्णी की ये सब किताब, इरावती कर्वे की किताब, वीरप्पन मोइली जी की दी फ्लेमिंग ट्रेसेस ऑफ द्रौपदी, मैथिली शरण गुप्त की सैरंद्री, तमाम है, कम से कम 20-25 किताबें हमने पढ़ी होंगी इस पर जी, इसको लिखने से जी। ठीक सर, तो जैसे ये शुरू में ही आपने बता दिया कि आपकी, चूंकि आपकी माता का नाम जुड़ा है द्रौपदी से, तो निश्चय ही आप खुद भी इस नाम से, इस चरित्र से बहुत ही प्रेरित रहे होंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर इनको, द्रौपदी को एक कैरेक्टर की तरह देखें, तो उनकी सबसे खास बातें आपको क्या लगती है जो आज के दौर में हर कोई उससे प्रेरित हो सकता है? दो चीजें, पहली तो नारीत्व का जो कि एक मर्यादा और नारीत्व का जो गौरव हो सकता है वह उस स्त्री चरित्र में मुझे देखने को लगातार मिलता है। उसका धैर्य, उसका संयम, उसका अनुशासन, विदुषी होना, वो अपने किसी भी पति से किसी भी मायने में जी, जो जिसको कहते हैं मैटर्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट, राज काज की चीजों काम में वो दक्ष थी। और सच पूछिए तो आपकी, वो भी मैंने कोट किया है एक जगह, मैंने बताया है कि जब आप देखिएगा वेद व्यास के महाभारत के वन पर्व में द्रौपदी सत्यभामा संवाद के एक श्लोक आता है, अंतः पुराणाम सर्वेशाम भृत्यानाम चैव सर्वशः भागोपाला विपे लभ्य सर्वे वेद कृताकृतम,
अंतापुर के नौकरों के तथा ग्वालों और गरेड़ियों से लेकर समस्त सेवकों के सभी कार्यों का देखभाल मैं ही करती थी और किसने क्या काम किया अथवा कौन काम अधूरा रह गया इन सब बातों की जानकारी भी रखती थी। साथ ही वो और बताती है, सर्वे राज्ञ समुदाय मायम च व्ययमेव च एकाहम वेद्मी कल्याणी पांडवानाम यशस्विनी कल्याणी एवं अशस्विनी सत्यभामे महाराज तथा अन्य पांडवों को जो कुछ आय व्यय और बचत होती थी उस सब का हिसाब मैं अकेले रखती थी और जानती थी। ये तो कुछ पक्ष है, आप पढ़ेंगे महाभारत तो और भी आएंगे। तो ये दूसरा है कि एक तो नारीत्व की मर्यादा गौरव, इसका प्रतीक मुझे हमेशा से देखिए पूरा चरित्र। दूसरा कि उस महिला में इतना धैर्य, इतना संयम, इतना अनुशासन। आप सोचेंगे महाभारत की अब कथा में आप देखेंगे जब उसके उसका चीरहरण हो रहा है, उससे ज्यादा एक किसी नारी को आम सभा में सरेआम निर्वस्त्र किया जाए, इससे ज्यादा शर्मनाक घटना तो किसी महिला के लिए नारीत्व के लिए नहीं हो सकती। और उस समय भी वह प्रणाम करना भूल गई है सभासदों को और सब अपने बुजुर्गों को, तो इसके लिए रुक कर वो कह जब उसको घसीट रहा है दुशासन, तब वो कहती है कि मुझसे अपराध हुआ, मैंने आते ही आप लोग को प्रणाम नहीं किया, आप मेरा यह अपराध क्षमा करें, क्योंकि ये महाबली दुशासन जो है ये दुष्ट ये मुझे इस तरह से खींच रहा है कि मैं विह्वल हो गई, इस विह्वल होने के कारण मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाई। इस तरह की द्रौपदी पर यह लांछन आकर लगे, किसी तरीके से एक नैरेटिव बनाया जाता है, आजकल बनाया जाता है कि वो द्रौपदी का चीरहरण एक्चुअली चीरहरण नहीं था, वो प्रतीक है कुंडलिनी जागरण का। भाई दर्शन में पहुंचने के पहले हम लोक से जुड़ लें, किसी भी साहित्य का मान मापदंड और मानदंड जो है वो लौकिक साहित्य से लोक से जुड़ने से है, इस बात से नहीं कि कितना बड़ा दर्शन है। तो फिर महाभारत को महाभारत की कथा की तरह ना पढ़ें, फिर वेदों की श्रेणी में डाल दें, उपनिषद और पुराणों की श्रेणी में डाल दें, है कि नहीं? जी सर, जैसे अभी आप चीरहरण का जिक्र कर रहे थे तो मैं अभी वहाँ पर आने ही वाली थी कि जो आपने किताब में जिस तरीके से उसको दर्शाया वो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप वो भी सुना दें, क्योंकि उस पर बात करने से बेहतर है जो आपने लिखा है वो हम सुन लें। इसके लिए मैं वह सुनाता हूँ वह प्रसंग, क्योंकि वह बार बार चीरहरण का प्रसंग बार बार होकर आता है, लेकिन वो एग्जैक्टली मैंने जहां पर किया है उसको सुनाता हूं। स्वर्ग पथ पर अग्रसर जब द्रौपदी थी गल रही और विगत जीवन की सब स्मृतियां फिसल रही, गलते हुए शरीर को थामे अपनी सांस में कृष्ण को पुकारती आंखें खुली थी आस में, उस आस की ही ज्योत में आभास सा कुछ आ दिखा, कृष्ण आए या नहीं उसको नहीं था कुछ पता, फिर भी उस आभास को मान कर अपना सखा द्रौपदी कहने लगी अपने जीवन की व्यथा, अपने जीवन की व्यथा, कौन हूं मैं कौन मेरा, कौन हूं मैं कौन मेरा, वो जो मुझको छल गए हैं छोड़कर मुझको अकेले स्वर्ग को जो चल गए हैं, आदेश सुनकर सास का जब पांच भागों में बटी थी तब भी तुम्हें मैं साक्षी मान जीवन से सुखी थी, मान मेरा गिर गया था उस दिन संसार में द्यूत में मुझे दाव पर जब रख दिया परिवार ने, युद्ध का कारण मुझे जो मानते हैं वो गुणी पहले परखले भावना जो वासना में थी सनी, तब तो कोई कुछ न बोला सब थे बिल्कुल एक से, जब कोई मर्दन को उद्धत भाव के अतिरेक से खींच लाया केस से एक वसना को पकड़ वस्त्र मेरे फाड़ डाले तोड़ दी मेरी अकड़,
वह अकड़ जो वीरता के बाहुओं में थी पली, क्यों भला वह चढ़ गई थी वासना की बली। और सब वो वीर बाहें भरी हुई पुरुषार्थ से, और सब वो वीर बाहें जो भरी पुरुषार्थ से, टूट कर ऐसे गिरी थी जू मलिन हो स्वार्थ से, जू मलिन हो स्वार्थ से। इसके आगे भी है, मैंने सोचा कृष्ण ही तैसी थे फिर भी किंचित ही कुछ कर पाए, आत्मग्लानि से हो आहत रहे द्रुपद भी मूर्छाए, द्रोण की गुरुता में भी अहंकार एक भारी सा, द्रुपद के हाथों अपमानित प्रतिशोध ही संचारी था, नहीं तो कोई सखा अपना अपमान भी जो है कर जाता, मित्र वही होता है जो क्षमा भाव से भरा आता। लेकिन द्रोण गुरु होकर भी क्षमा भाव से वंचित थे, द्रुपद के हाथों हूँ लांछित अभिमान से अतिरंजित थे। कर्म देखो, कर्म मनुज का देखो कैसे पीछा करता जीवन में, कृष्ण को कह रही है, मूर्छा में है। कर्म मनुज का देखो कैसे पीछा करता जीवन में, तय किया द्रोण के प्रतिशोध ने मेरा आना इस जग में। भीष्म तो पहले से अपना अंत कठिन रचाए थे, एक राज्य की तीन बेटियां बलपूर्वक जब लाए थे, सत्ता और शक्ति का जिस दिन, यहां पर मैं अपने वर्तमान के प्रसंग में आता हूँ, सत्ता और शक्ति का जिस दिन दर्द किसी पर छाता है, उस दिन ही उसके अंदर का मानव भी मर जाता है, उस दिन ही उसके अंदर का मानव भी मर जाता है। तो सर, जैसे अभी चीरहरण की बात किए जी, और मतलब महाभारत में निश्चय ही द्रौपदी एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, और उनके इर्द-गिर्द महाभारत की कई घटनाएं घूमती हैं, और सबसे उनका एक तो जो जन्म है, और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो है जब उनको पांच पतियों में बांटा जाता है, बांटा जाता तो है जी। उस जी तो उस वाले जो उस वो जो वाक्य है उस पर आपका क्या टेक है, आपने मतलब उसको किस तरीके, हाँ मैंने किया है ना, कि जब मैंने कुछ छंदों में केवल बखान किया है कि पहले तो मैंने चरित्र, उसके चरित्र को उद्भासित किया है, उजागर बिल्ड किया है, कैसी थी द्रौपदी, कैसा उसकी शिक्षा हुई, क्या क्या हुआ उसके स्वयंवर में, और इसके बाद छोटे से कुछ छंदों में, तकरीबन 10-12 छंदों में मैंने उसके पूरे जीवन को समप किया है, मरने मृत्यु की बात को बताने के पहले। उसका जीवन ऐसे बीता जो विश्व में बुझाने वाला हो, हर पग जैसे बाधाओं की शूलों पर पड़ने वाला हो, तृष्णा और काम से भरे हुए राजाओं की वह रानी थी, द्वेष से जर्जर कुरु वंश के व्यथा की दुर्बल बानी थी, उसकी सास को यह भय था पुत्रों में फूट न पड़ जाए, उसके रूप के आकर्षण से कतिपय द्वेष न पड़ जाए, इसीलिए अपनी सुविधा से रूपवान एक नारी को बांट दिया अपने पुत्रों में घर आई लाचारी को, कितने नाजों से पली हुई उल्लास उमड़ता था जिसमें, परिहासों में घिरी हुई प्रतिकार न था उसके वश में, नहीं पता था इस जग में वह क्या क्या लेकर आई थी, रूप के धन से हटी हुई काया पर शाप की काई थी, भला द्रौपदी भी क्या करती। और इसके बाद मैंने एक जगह और उनको ये किया है कि जिन पांडव पतियों को मेरे श्रेष्ठ सदा सब कहते हैं, ध्यान से देखो इनके अंदर अवगुण कितने बहते हैं, केवल माता के कहने से पुत्र कोई क्या मानेगा, भाई की पत्नी से भला सहवास की वह ठानेगा, बहु पुरुषों वाली स्त्री को माता जो बुरा समझती थी। ये कुंती के बारे में मैंने ये एक टिप्पणी है की गई है, उस युग की कुलीन परंपरा के तहत किसी भी स्त्री का अधिक से अधिक 4 पुरुषों के साथ सहवास संभव था। एक समय था हमारे समाज में जब औरतें, यो आपके शकुंतला दुष्यंत की कहानी आपको याद होगी, जब महिलाएं अपने या लड़कियां अपने पुरुषों को चुन लेती थी, और चाहे उसके साथ बच्चे भी हों, अवैध न कहलाते तो अपने पिता के घर रहती थी, चला जाए पुरुष छोड़ के, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इस प्रथा को तोड़ा किसने, उद्दालक, हमारे ऋषि उद्दालक के पुत्र ऋषि श्वेत केतु, अपनी माँ, उसकी उनकी माँ का किसी ऋषि ने जब हाथ थाम लिया, उसके साथ वो चली गई कहीं, इस बात से बहुत पीड़ित होते, क्रुद्ध हुए थे श्वेत केतु, और जब उनके हाथ में न्याय का दंड आया तो उन्होंने कहा कि ना,
एक पुरुष पर एक एक मर औरत पर उस एक पुरुष का ही अधिकार हो सकता है। और उसमें उसने बताया कि यदि किसी कारण से बीमार होने के कारण या अपंग होने के कारण या नपुंसक होने के कारण यदि पुत्र की प्राप्ति न संभव हो तो अपने पति की सहमति लेकर वह तीन पुरुषों तक समागम कर सकती है। तीन वो चौथा तो अपना पति, पांच होने से ही उसे गणिका की श्रेणी में रखा जाएगा। यह बात कुंती जानती थी और इसीलिए यहां मैं लिखा है कुंती यह भली भांत जानती थी और इसी परंपरा का सहारा लेकर ही उसने पांडु की सहमति से धर्म, इंद्र और वायुदेव के माध्यम से अपने तीन पुत्र जने थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और जब और अर्जुन जी और पांच दो बाकी जो नकुल सहदेव थे वो माद्री, उसने अपना वर माद्री को बताकर और माद्री के सहारे किया तो उसको पता है। तो यही मैं कहने वाला हूं यहाँ पर कि बहु पुरुषों वाली स्त्री को माता जो बुरा समझती थी, बहु को अपनी ही लेकिन पुत्रों में बांट जो सकती थी, समझ गई थी उस दिन ही वह किस समाज में रहती है, लोक लाज की आड़ लिए कितना प्रपंच वह सहती है। कल तक यौन जो उत्सव था सत्यवती और कुंती का, धृतराष्ट्र विदुर की माता माद्री गुणवंती का, सब नियोग के माध्यम से इनका हुआ है। कल तक यौन जो उत्सव था सत्यवती और कुंती का, धृतराष्ट्र विदुर की माता माद्री गुणवंती का, मुझ तक आते आते वही दुराचार का चिन्ह बना, लैंगिक विकल्प अब कलमश एक अभिन्न बना। मैं गणिका हो गई, इन्होंने जब सब कुछ किया तब कुछ नहीं किया, इसके बाद इसी को मैंने ये करवाया, मैं लेकर चलता हूं कि सत्यवती हो, कुंती हो या अंधी बेबस गांधारी, सब पुरुषों की संपत्ति में कोई नहीं नारी। नारी तो वह नारी है जो बांध सभ्यता रखती है, जनती है फिर पाल पोष कर संततियों को रचती है। आगे मैं कहता हूं ऐसा नहीं कि इन सब में गुण नहीं भरे थे नारी के, ऊंची ऊंची अभिलाषा से भरी हुई लाचारी के, पैतृकता का अजगर लेकिन निगल गया था इन सबको, नारी का नारित्व रह गया था अब केवल कहने को, था अब केवल कहने को। तो ये है जो मैं सोचता हूँ कि उस समय की, चाहे राजपाट की महत्वाकांक्षा उनकी अपनी हो या राजपाट की लालसा हो, लिप्सा हो, जो कुछ भी हो, उस समय की इनकी माताओं और उस समय की औरतों ने भी यह प्रपंच तो किया ही, द्रौपदी के जो द्रौपदी के खिलाफ गया। जी सर, और इसमें इतना ही नहीं, मैंने एक स्थल पर आप देखेंगे, जी नहीं नहीं आप सर कंप्लीट कर ले जो आप कह रहे थे। मैं कह रहा था कि एक जगह मैंने जैसे जनजाति हिडिंबा का एक मैंने एक एग्जांपल दिया है, एकलव्य का एग्जांपल दिया है कि कैसे उनके प्रति अन्याय होता रहा, और कृष्ण को बोल रहे, कृष्ण को भी उसने प्रश्न, उसने कृष्ण को भी ये किया है और उसने कहा था कि भाई हमें ठीक है, खांडव वन के वनस्पति और जीव जाति सजीवों को पांडवों की सुविधा हेतु जला दिया सब जीवों को, शेष रहा न जीव कोई, बस माया एक बचा था, असुरों का वह वास्तुकार जिसने इंद्रप्रस्थ रचा था, वर्धन और विस्तार में कोई नहीं हो आगे कठिनाई, इसीलिए तो खांडव वन में आग भयानक लगवाई, एक निषादिन और उसके पुत्र पांच को बलि चढ़ा, लाक्षागृह की अग्नि से जब भागे पांडव जान बचा, कुंती और विदुर को उस दिन ज्ञात थी ये अग्नि लीला, नित नियम के सारे गुण तज धर्म पड़ गया था जब लीला। याद करो कि कटे थे कितने एकलव्यों के दक्ष अंगूठे, जिनके रहने से पड़ जाते अर्जुन के सब कौशल झूठे, कर्ण को तो प्रतिहिंसा ने ही किया शिष्टता से था वंचित, नहीं तो अभी भेंट चढ़ा था जाति भेद के लिए कदाचित, सूत पुत्र कह के उसको उन्होंने ये कि जाति भेद हुआ ना वहां। और हिडिंबा की सोचो, क्या त्याग किया था उसने उसके प्रेम के फल को, लेकिन प्रेम ही आया डसने, रहकर निपट अकेले जिसने जना घटोत्कच बड़ा किया, बिना द्रोण जैसे गुरु के ही योद्धा ऐसा खड़ा किया, जिसके शौर्य की किरणों में जब भस्म हो रहे कौरव थे, देव अस्त्र का कर प्रयोग जब बचा रहे वो गौरव थे, तुम्हें ज्ञात था उसी अस्त्र से अर्जुन का वध होना था, उन्हें बचाने हेतु घटोत्कच केवल एक खिलौना था। जनजात की उस हिडिंबा में कितनी कुलीनता भारी थी, कुरुवंश की नारी के समक्ष कितनी समर्थ वह नारी थी, कितनी समर्थ वह नारी थी।
मैंने मैं ये नहीं कहता कि केवल द्रौपदी के साथ, इसी में मैंने जन हिडिंबा के चरित्र को भी उजागर किया है कि जनजात की उस नारी को देखो, वह कुलीन नारी नहीं थी, वह उस ऐसे लोगों को लोग वहां पर असुर या दस्यु कह के बुलाते थे, और उसकी देखो सब जानती थी, लेकिन उसने प्रेम का अपना सिला कैसा दिया, प्रेम को उसने निभाया, अपने बेटे को बड़ा किया और भेजा कि जाओ पिता के साथ, पिता का साथ दो। जी जी बिल्कुल सर। सर अब हमारे पास थोड़ा सा समय की कमी हो रही है, तो इसलिए मैं इसको जल्दी रैप अप करने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरा मैं एक चीज बस ये जानना चाहती हूँ, जैसे अभी शुरुआत में आपने अपनी एक और किताब गंगा रतन विदेशी का जिक्र किया था, और उसमें जितना मुझे ज्ञात है कि वो भोजपुरी में लिखी गई थी, उसका ट्रांसलेशन भी किया गया, आपने उसको ओरिजिनली भोजपुरी में लिखा था, और सबसे ज्यादा जितना आप खुद कहते हैं पॉपुलर भी भोजपुरी हुआ, और इसी तरह द्रौपदी को आपने पहले ही मतलब इसको गे काव्य में गाए, मतलब थोड़ा उस तरह गाए जाने छंद रूप में लिखा है इसको, तो आपको लगता है कि कोई भी कविता कहानी खुद अपनी भाषा और किस तरह वो कही जाएगी ये वो शायद खुद चुन लेती है, लेखक सिर्फ माध्यम होता है। जी मैं उस तरह का लेखक या कवि नहीं हूँ कि जो पहले से एक ध्येय बना ले कि मुझे एक फिल्मी कथा लिखनी है और मुझे एक ऐसी कथा लिखनी है और मुझे ऐसा काव्य लिखना है, तो मुझे लगता है फिर कला की मैंने क्या बोला जाए, कला की उस कला की विधा के उस प्रसंग पर मैं आना चाहता हूँ कि कुछ तो दैवीय होता है इसमें। अब जैसे गंगा रतन विदेशी भोजपुरी में ही लिखी जाएगी, यह मैंने शुरू में निर्णय नहीं किया था, लेकिन हो गया, लगा जैसे ये उनकी ही भाषा है, उसी भाषा में होनी चाहिए। उसी तरह द्रौपदी के छंद मैंने कहीं चयन नहीं किए थे कि इस छंद में लिखे कि उस छंद में लिखे, बस मन में जैसे कहते हैं छंद अपने आप फूटने लगे, उन्हीं को मैं निभाता चला गया एक कथा की तरह। सच पूछो तो आप द्रौपदी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि एक द्रौपदी की तरफ से एक कथा कही जा रही और उसमें तमाम प्रश्न उजागर हो रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जी तो मुझे लगता है कि कुछ तो दैवीय है, ईश्वरीय है, जो आपसे आपसे सृजन करवाता है, किसी भी तरीके का सृजन अच्छा हो, सृजन बुरा तो नहीं होता, सृजन हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन उस पे कितनी न्याम, कितनी ख्याति, कितना यश आपको मिले, ये सब सृजन का भाग अंश नहीं है, ये सब तो दुनिया और दुनियादारी और बाजार का अंश है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सर, तो इसी के साथ ही मैं अपनी इस बातचीत को अंत करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और जितना इस किताब को जितना अभी तक हमने सुना और हमारे दर्शकों ने भी सुना, तो मुझे पूरा यकीन है उनको बहुत पसंद आई होगी, और वो सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रहेंगे, इसको पढ़ेंगे भी, और इस बुक के लिए भी आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन सर, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ज्यादा मशहूर हो, तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आप सबको, आपको विशेष करके धन्यवाद, आपके साथे सारे श्रोताओं दर्शकों को। वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई है पुस्तक, और amazon.com पर, दोनों amazon.com पर, Amazon इन पर, मतलब भारत में और विदेश में दोनों जगह उपलब्ध है, आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं और पढ़े, मुझे बहुत खुशी होगी आप पढ़ेंगे और आपकी प्रतिक्रिया जानकर। धन्यवाद।